Good morning, students. How are you, beta? I hope you all are fine. Today we are going to discuss about the desert. In previous class, we already have discussed about the peninsula Fiji. After that, we will discuss the desert. Desert is one of the physical feature of India. Okay? What do you mean by desert? Desert kya hai? Marusthal kya hai? Ek aisi jagah hai, the place which is covered by a place. Which is covered by sand, यानी एक ऐसी जगह है जो कि किससे ढकी हुई है, रेत से ढकी हुई है. किससे ढकी हुई है? रेत से. यानी वहाँ पे सूखा रेत ही रेत है वहाँ पे. ठीक है. अभी जो डेजर्ट है वो इंडिया में कहाँ है? Can you tell me that the place of desert in India? The desert of India is in Rajasthan. कहाँ पे है ये? किसमें है? राजस्थान में है. ठीक है, राजस्थान में है. अब जो डेजर्ट है इसके दो पार्ट लेते हैं हम, इसकी दोनों दिशाएं लेते हैं. एक हम ईस्टर्न पार्ट पढ़ेंगे, एक इसका वेस्टर्न पार्ट पढ़ेंगे. ईस्टर्न पार्ट और एक है वेस्टर्न पार्ट. ईस्टर्न पार्ट कौन सा है? राजस्थान में जो डेजर्ट है उसको हम क्या बोलते हैं? अच्छा, जो डेजर्ट है राजस्थान में उसको हम एक नाम और भी जानते हैं, उसको क्या बोलते हैं? इंडियन डेजर्ट, यानी थार डेजर्ट. क्या बोलते हैं? और ये कहाँ पे है? वेस्टर्न में है. क्या है? थार डेजर्ट. कहाँ एक नाम और है जो डेजर्ट है, इसका एक नाम और है जिसको हम बोलते हैं थार डेजर्ट. अच्छा, सबसे पहले हम पढ़ते हैं ईस्टर्न में. ईस्टर्न में क्या होता है? जो ईस्टर्न पार्ट है वो क्वाइट फर्टाइल, यानी जो पूर्वी हिस्सा है डेजर्ट का वो थोड़ा बहुत उपजाऊ है. क्यों है थोड़ा बहुत उपजाऊ? क्योंकि जो चंबल रिवर जो है, रिवर फ्लोस हियर, जो चंबल नदी है वो ईस्टर्न पार्ट से होकर के गुजरती है, इसलिए वहाँ थोड़ा बहुत पानी मिल जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे कुछ फसलें उगाई जाती हैं. कौन कौन सी उगाई जाती हैं? जैसे मेज है, बाजरा, ज्वार. ठीक है, यानी यहाँ पे ये कुछ ऐसी फसलें हैं जो कि उगाई जाती हैं. ठीक है, फिर बारी आती है कि वेस्टर्न पार्ट में, क्योंकि वेस्टर्न पार्ट बेटा मैंने आपको बताया, जिसको हम थार डेजर्ट भी बोलते हैं, ये सैंडी और रॉकी एरिया है. कैसा है? सैंडी और रॉकी एरिया है, यानी यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा सूखी रेत और क्या मिलते हैं? चट्टानें मिलती हैं. यहाँ पे जो रेनफॉल है वो ना के बराबर है, लिटिल रेनफॉल है. जो बारिश आती है वो भी बहुत कम होती है यहाँ पे. जहाँ पे क्योंकि बारिश नहीं है तो बिना बारिश के तो पेड़ पौधे कोई भी फसल उगाना बहुत मुश्किल होता है. तो यहाँ पे एक जो मरुस्थल होता है वहाँ पे एक पेड़ होता है कैक्टस, जो कि बिना पानी के भी उग जाता है. लिटिल रेनफॉल से भी वो चीज़ हो सकती है जो कि यहाँ मिलती है. ठीक है, अब यहाँ पे बारिश कम होती है, इस वजह से यहाँ पे फसलें नहीं उग सकती हैं. तो इसको यहाँ पर क्या बना दी गई? कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बना दी गई. वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बना दी गई, जैसे सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो कहाँ पे है? हमारी राजस्थान के वेस्टर्न पार्ट में है. ठीक है, अब समझ में आया कि डेजर्ट मतलब एरिया विच इज कवर्ड बाई सैंड, मतलब ऐसा एरिया जो कि रेत से पूरा ढका हुआ है. अब ये जो डेजर्ट है इसके भी मैंने दो हिस्से बता दिए आपको, ईस्टर्न पार्ट और वेस्टर्न पार्ट. ईस्टर्न पार्ट मतलब जो थोड़ा क्वाइट फर्टाइल है, यानी थोड़ा बहुत उपजाऊ है. वहाँ क्यों है वो उपजाऊ? क्योंकि वहाँ से चंबल नदी जो है वो गुजरती है, दैट्स वाई ये थोड़ा बहुत फर्टाइल है. क्या क्या चीज़ें होती है वहाँ? मेज है, बाजरा है, ज्वार है, ऐसी चीज़ें वहाँ उगाई जाती हैं. ठीक है,
फिर बारी आती है वेस्टर्न पार्ट की। वेस्टर्न पार्ट को हम थार डेजर्ट भी बोलते हैं, यानी इंडियन डेजर्ट जो बोलते हैं थार डेजर्ट भी बोलते हैं। ये एरिया कैसा है, सैंडी है और रॉकी है, यानी बहुत ज़्यादा रेत और पथरीली जो जगह होती है, चट्टानें जैसी होती है वो वाली जो जगह है। लिटिल रेनफॉल, जो बारिश होती है वो बहुत ही कम होती है, इसलिए यहाँ पे क्या है, ज़मीन को कैसे यूज़ किया गया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो है वो यहाँ पे बना दी गई, जिसमें से सरिस्का भी क्या है, एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो कि कहाँ है, राजस्थान में है। अब हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे। किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, डेजर्ट की। इसकी डेजर्ट की क्या विशेषताएं होती हैं, इसकी जो डेजर्ट होता है इसकी क्या विशेषताएं होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स। अब यहाँ पे क्या होता है कि सबसे पहले क्या है, लिटिल रेनफॉल है, बहुत ही कम बारिश है, जो डेज है वो हॉट है और जो नाइट है वो कूलर है। मतलब यहाँ पे बारिश जो होती है वो बहुत कम होती है, जो दिन होते हैं वो बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं और जो रातें होती हैं वो ठंडी होती हैं। ये क्या है, कुछ एक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं किसके, डेजर्ट के। अब हम एक चीज़ और पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, सैंड ड्यून्स। सैंड ड्यून्स मतलब रेत के टीले, सैंड ड्यून्स। सैंड ड्यून्स मतलब रेत के टीले। When strong winds carry sand, जब बहुत तेज हवाएं चलती हैं और वो क्या लेके आती हैं, रेत लेकर के आती हैं, और वो जो रेत होती है वो एक जगह इकट्ठी हो जाती है। जैसे मानो ये आपकी क्या है, जमीन है, यहाँ पे क्या है, रेत है, यहाँ से स्ट्रॉन्ग विंड्स आई, ठीक है, बहुत तेज हवाएं चली, इस मिट्टी, ये यहाँ मिट्टी थी, इस मिट्टी को कहाँ लेके गई, यहाँ लेके चली गई, फिर दोबारा से बहुत तेज हवा आई, ये मिट्टी कहाँ चली गई, यहाँ चली गई। यानी ऐसे रेत के टीले जो कि बहुत तेज जब हवाएं आती हैं तो एक जगह से दूसरी जगह खिसकते रहते हैं, दे कीप मूविंग, तो वो क्या होते हैं, सैंड ड्यून्स, यानी रेत के टीले, ठीक है। अब बारी आती है एनिमल्स के बारे में कि यहाँ पे कौन से एनिमल्स रखे जाते हैं। आपने सुना होगा कि जो डेजर्ट का जो सबसे मशहूर एनिमल होता है वो क्या होता है, कैमल। क्या होता है, कैमल। कैमल को सबसे ज़्यादा मशहूर क्यों माना जाता है, क्यों, इसको हम क्या बोलते हैं, शिप ऑफ डेजर्ट। क्या बोलते हैं हम इसको, शिप ऑफ डेजर्ट, यानी डेजर्ट का जहाज। क्यों बोलते हैं इसको शिप ऑफ द डेजर्ट, बिकॉज इट कैरीज लॉड। ये क्या करता है, वजन उठाता है, पहली बात। इट कैन सर्वाइव विदाउट फूड एंड वाटर फॉर सेवरल डेज। ये बिना खाने और पानी के भी बहुत दिन तक जीवित रह सकता है, यानी इसको अगर खाना और पानी नहीं भी मिले तो भी ये कई दिन तक जिंदा रह सकता है। क्यों, क्योंकि जो कैमल होता है उसका जो हम्प होता है वो, उस हम्प में कैमल बहुत ज़्यादा पानी स्टोर कर सकता है, जिसकी वजह से कि उसको जैसे ही प्यास लगती है वो वहीं से उस चीज़ को कंज्यूम कर लेता है, ठीक है, इस वजह से। क्या फिर दूसरी बात, इसकी एक चीज़ और होता है, इसके जो पैर होते हैं वो कैसे होते हैं, पैडेड फीट होते हैं, ठीक है। जो कैमल होता है उसके जो फीट होते हैं, पैर होते हैं, वो पैडेड होते हैं, जिसकी हेल्प से वो सैंड पे वॉक करने में सबसे आसान हो जाता है उसके लिए, ठीक है, मूव करने में हेल्पफुल होता है उसके। व्हाट इट बेटा, नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडे।